नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। ये गन्ना है, इससे गुड़ बनता है, इससे चीनी बनता है और खाने में मिठास आती है। लेकिन इसको उगाने वाले किसानों की ज़िंदगी में मिठास नहीं आ रही है। प्रभुराज जी, ये बताइए कि किसानों की ज़िंदगी में मिठास क्यों नहीं आ रही? किसान तो इतना आज फटेहाल हैं, इतना आज वो तो किसान घाटे की खेती कर रहे हैं और उनका जो फसल जो है उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उल्टे मिल मालिकों द्वारा उसका शोषण हो रहा है। और केंद्र सरकार के पास जब हम जा रहे हैं तो कोई बात हमारी सुन नहीं रही है, वो मिल मालिकों के पक्ष में काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में फटाहाली के दौर में किसान जी रहे हैं, खेती करने की स्थिति किसानों की नहीं रह गई है, कमर लगातार टूटता जा रहा है। तो अब दूसरा किसान क्या कर सकता है, संघर्ष के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो संघर्ष लेकर हम लोग आज जंतर मंतर पर आकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अरे मोदी जी, देश के किसान जो हैं, गन्ना किसान खासकर, ये अखिल भारतीय गन्ना किसान महासंघ जो है वो आपके पास आया है, बिहार के और अन्य राज्यों के साथ तमाम किसान जो हैं वो गन्ना उत्पादक आए हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि हम घाटे की खेती कर रहे हैं, गन्ना का दाम तो 500 रुपये क्विंटल कर दो ताकि हमको कुछ राहत मिले, और ये सुनने को तैयार नहीं। एक कट्ठे में 2.5 क्विंटल बिया लगता है वैरायटी का, जो उन्नत बीज जो होता है, और सब मिला करके गन्ना का पटवन 5 बार करना पड़ता है। और हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था जो है, नहरें जो बनी हुई हैं, उस नहरों का जो है शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, जिससे किसानों को पानी नहीं मिल रहा। वो पंपिंग सेट से निजी अपना खर्चा करके वो गन्ना के खेतों में या अन्य खेतों में फसलों में पानी पटाते हैं। तो उसका लागत मैंने जो 2 एकड़ का अनुभव किया, 80,000 मेरा रुपया खर्चा आया था 2 एकड़ में, और मुझे गन्ना जो सप्लाई हमने किया 1,20,000 का गन्ना हुआ, 80,000 आप छांट दीजिए मेरे खर्चे में तो मुझे बचा 40,000 रुपया। और गन्ना का जो वैरायटी की बात है, 3 तरह के रेट हैं, तो उस रेट से हम किसानों को पोसाई नहीं हो रही है, उनका खर्च नहीं निकल रहा, इसलिए गन्ना की खेती भी महंगी खेती हो गई है। क्योंकि गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार या बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है, केंद्रीय सरकार गन्ने का दाम तय करती है और बिहार सरकार भी उसमें ऐड करती है, दोनों रेट मिलाकर लगभग 5 सालों से गन्ना का रेट पर्ची पर नहीं छापा जाता है। ये अन्याय किसानों के साथ है। देशमुख सर, एक बात बताइए, आप आज जो है ना, हम गन्ना किसानों का यहाँ पे प्रदर्शन है ना, और अलग अलग स्टेट्स के जो हैं गन्ना किसान आए हैं, बिहार के आए हैं, महाराष्ट्र के आए हैं, तमिलनाडु के आए हैं, आंध्र प्रदेश के लोग आए हैं। अगर मैं आपसे महाराष्ट्र के किसानों का अनुभव पूछूं कि उनका अनुभव गन्ना को लेकर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में गन्ना किसानों का बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक तो कोऑपरेटिव जो शुगर मिल थी, वो लोग, कुछ लोग वो कोऑपरेटिव शुगर मिल वो प्राइवेट करके आपके नाम पर कर लिए, और बाद में वो जो उनका गन्ना का जो पैसा है वो पैसा देते नहीं। अभी एक कारखाना ऐसा है, शुगर मिल ऐसा है कि वो शुगर मिल ने पहले कोऑपरेटिव थी, बाद में वो प्राइवेट कर दी, और प्राइवेट करने के बाद वो उसने 2018-19 का बिल ही नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल महाराष्ट्र के अंदर है। बहुत सारे शुगर मिल में है जो वेट है शुगर का, जो वेट गन्ना का वेट है, वो वेट में भी कुछ लोग ढापा ढापी करते हैं, और ऐसा किसानों का महाराष्ट्र के अंदर जो शुगर मिल के मालिक जो है, वो कोऑपरेटिव रहने दो या प्राइवेट रहे, वो गन्ना किसानों का लूट करते हैं। यहाँ पे मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश से किसान आए हैं, बिहार से किसान आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, सब जगह से आए हैं। अगर मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में पूछूं कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का अनुभव क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ गन्ना तो कैश क्रॉप, नकदी फसल के रूप में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है हमारा, और बहुत बड़ा प्रदेश की 5 करोड़ से ज़्यादा किसान हमारे उत्तर प्रदेश के खेती करते हैं गन्ने की।
5 करोड़ से ज्यादा। और ये अनुभव है कि नगदी फसल के रूप में अगर गन्ना हमारे यहाँ है और ये हमारी सरकारें गन्ना के किसानों को दुख दे रही हैं। अभी आप मान लीजिए कि लागत बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो खाद के दाम, बीज के दाम, डीजल के दाम, गए मान वो जो बिजली के दाम, बुआई जुताई सब महंगी, लेकिन 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया हमारी योगी की सरकार। योगी बाबा तो कभी कभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान क्यों गन्ना ज़्यादा पैदा करते हैं, उससे तो डायबिटीज बढ़ती है। ये कैसे लोग हमारे इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आप समझ जाओ कि तमाम जिलों में गन्ना बोना बंद कर दिया है धीरे धीरे हमारा गन्ना किसान। जिला देख लो, हमारे यहाँ गाजीपुर में चीनी मिल थी बंद, गन्ना नहीं। मऊ में गन्ना नहीं, बलिया में गन्ना नहीं, भदोई और बनारस में गन्ना नहीं, चंदौली में गन्ना नहीं, सोनभद्रा से लेकर इधर गन्ना नहीं। गन्ना आपके रायबरेली और अमेठी में भी बंद हो गया, प्रतापगढ़ में भी नहीं है गन्ना, तो कुछ जिलों में रह गए पूरब के। आपको दिखा बता दूं। माय नेम इज गंडी नायन बाबू, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट। आई केम हियर रिगार्डिंग द शुगर केन फार्मर्स फेडरेशन इज धरना इज डूइंग हियर इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज नोवेडेज शुगर केन फार्मर्स, शुगर केन इज द सेकेंड क्रॉप ऑफ द इंडिया, फर्स्ट क्रॉप इज पैडी इन आंध्र प्रदेश, सेकेंड क्रॉप इज शुगर केन। सो नाउ द फार्मर्स आर सफरिंग सो मच बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। द शुगर केन रेट at the time of 1966 there is a 8.5 recovery rate, every year the recovery is going to increase but rate is not increasing. 9.5% recovery jo hota hai, 1 quintal mein 9.5 kilo agar chini nikalta hai, 9.5% recovery hua to us aadhar par wo ganna jo hai wo hamara rate tay karta hai. aur itna badhiya badhiya ganna ka aajkal naya naya seed de diya ki us seed se 14% 15% गन्ना से रिकवरी हो रहा है, लेकिन रेट तय है 9.5% पर। और उसमें कहता है कि 9% जो गन्ना का है, ये इनका रिजेक्टेड जो गन्ना है, ये हमको परेशान कर रहा है, इसलिए ग्रेड जो हमारे यहाँ तय कर दिया है अब 3 ग्रेड में बांट दिया है। देखिए किस तरह का, अंग्रेज भी नहीं ऐसा करते थे, इसने कर दिया है कि बिहार में 335 रुपया ग्रेड 1 यानी कि जो 15% रिकवरी दे रहा है गन्ना उसका रेट कर दिया, और जो बीच वाला रिकवरी जो गन्ना है उसका रेट कर दिया 310 रुपया, और जो सबसे बाद वाला 4 साल 5 साल पहले वाला जो गन्ना है जो लगा रहा है किसान उसका रेट कर दिया 285 रुपया। इस तरह से 3 कैटेगरी कर दिया है, लूट रहा है। और उसमें देखिए कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेट हमारा जो है 9.5% पर तुम तय कर रहे हो, 15% तुम ले रहे हो, आज लगातार महंगाई बढ़ रही है। तुमने कहा था कि MSP को कानूनी दर्जा देंगे, तुमने दर्जा नहीं दिया। तुमने कहा था कि जो किसानों का फसल में लागत है उसका 1.5 गुना दाम देंगे, तुम उस आधार पर भी तुम गन्ना का दर तय नहीं कर रहे हो। और आज किसान जो है, गन्ना किसान परेशान है, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम उल्टे चीनी मिल मालिकों से साठ गांठ करके उनसे भारी मोटी रकम लेकर चुनाव लड़ने के फेर में पड़े हुए हो। किसान रसातल में जाएं, इससे तुमको कोई चिंता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है किसानों को परेशान कर रहा है, और यही बेसिक सवाल है जिस सवाल में को लेकर किसान जो है आज जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ आए हैं। भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज किसानों की, खेत मजदूरों की बात वो नहीं सुन रहे हैं, गन्ना किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम एक धमाका लेकर आए हैं अपनी बात सुनाने के लिए कि प्रधानमंत्री सुन लो, नहीं तो 2024 अब बहुत करीब है, दूर नहीं।